पटवारी से लेकर उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम, जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का MLA हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। चार पांच रखो भाड़ के बिंटे, और दो रखो पिस्टल, और सर बाहर जाना टोपी ओढ़ कर, फिर पुलिस यार कहाँ तक काम करेगी? यदि पुलिस है कहाँ, जब तक पुलिस आ रहे हैं थारी दुकान में माल लगा दे, मकान में माल लगा दे। मोंटाज में ये दो वीडियो सुना आपने, ये दोनों वीडियो है बीजेपी विधायक का। जी हाँ, एक है मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक, दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक। एक वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए अब हथियार रखने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो लोकल चुनाव चल रहा था उसमें बीजेपी के विधायक ही ने पोल खोल दी है कि किस तरीके से प्रशासन और अधिकारी मिलकर बीजेपी को वोट डलवा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद बीजेपी का विधायक हूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा जिस तरीके से वोटों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो आप समझिए कि कितने बुरे हालात हैं। बीजेपी के विधायक खुद अब खुलकर, जो धांधली होती है वोटों की, जिस तरीके से वोटों को चुराया जाता है, जनमत का भरोसा तोड़ा जाता है, वो सारी चीजें अब बीजेपी के विधायकों को भी समझ नहीं आ रही है, वो उसका विरोध करने लगे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, उस पर दिलीप मंडल ने कहा है कि न्यायपालिका की मृत्यु हो गई है, दो मिनट का मौन रख लिए। क्या फैसला है वो भी बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जुबेर, जो ओल्ट न्यूज के को फाउंडर है, उन पर लगातार मुसीबतें आती जा रही है। और किस तरीके से आप समझिए कि पहले उनको एक केस में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद लगातार 5-6 मामलों में अब उनकी पैसी हो रही है और वो लगातार हिरासत में है। तो इस तरीके से जो सच बोलता है, खासकर जो उर्दू नाम वाले हैं, उनको कैसे फंसाया जाता है और सालों तक उनको जेल में ठूस दिया जाता है, जबकि नुपुर शर्मा पर और बजरंग मुनि पर सेम धाराएं हैं जो जुबेर पर हैं, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और जुबेर 6 केसों में अब जेल की हिरासत में है। आज क्या हुआ वो भी बताऊंगा। अब शुरू करते हैं वो सारी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो गोदी मीडिया आपको खबरें नहीं दिखाता है। देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया है, मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी हिंदुओं से हथियार रखने का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि पत्थर की पेटी, फावड़े के बेट और रखो पिस्टल, गर्दन बचानी हो तो एक हो जाओ, कहां तक पुलिस बचाएगी? यूपी पुलिस, मुजफ्फरनगर पुलिस, कोई एक्शन लिया क्या? आप समझिए ये किस तरीके से जनता को उकसा रहे हैं, जबकि केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं। और अब ये मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक की वो बाइट सुन लीजिए जिसमें वो बीजेपी के चुनाव में वोटों की धांधली की पोल खोल रहे हैं। सुन लीजिए। पटवारी से लेकर उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम, जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का MLA हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। तो सुना आपने, यह है नारायण त्रिपाठी, जो मेहार असेंबली से विधायक है, बीजेपी के विधायक है, और खुद ही कह रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी अधिकारी और पूरा पुलिस प्रशासन मिलकर वोटों को बीजेपी के हक में डलवा रहा था और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने आकर PC या बाइट दे दी। तो आप समझिए जो इल्जाम लगते रहे हैं, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बिहार विधानसभा में, यूपी विधानसभा में और तमाम जो लोकल चुनाव हुए थे, सब जगह पर EVM और पुलिस अधिकारियों की या SDM DM जो अधिकारी थे, लोकल अधिकारी होते हैं, वो किस तरीके से एक तरफा वोटिंग करवाते हैं। अभी जो रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे, वहां पर आपने देखा था किस तरीके से मुसलमानों को वोट तक नहीं डालने दिया गया था, पुलिस उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। तो ये सारी खबरें हैं। और अब ये देखिए, बीजेपी सांसद रवि किशन ने नया घर बनवाया गोरखपुर में, उनका गृह प्रवेश था, तो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो मजदूर थे उनके पैसे ही नहीं दिए। ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, बीजेपी सांसद रवि किशन के गृह प्रवेश कार्यक्रम में काम करने वालों को नहीं मिली मजदूरी, पैसे मांगने पर गुर्गों ने धमकाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये लोग काम करवा लेते हैं और मजदूरों का जब पैसा देने का नंबर आता है तो उनको धमकाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है।
वहीं दूसरा देखिए, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर एक साल में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की तस्करी का नशा पकड़ा गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? प्रशांत भूषण, जो भारत के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते हैं, उन्होंने ये बात कही है। अडानी का आपको याद होगा, उनके पोर्ट पर करोड़ों रुपए की जो है ड्रग्स पकड़ी गई थी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आदिवासी है, मुसलमान है, पिछड़ा है, दलित है, तो उसको खीरा ककड़ी चोरी के आरोप में जेल में बंद कर रखा है। और अब ये देखिए, ओल्ड न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट पेशी के लिए लेकर पहुंची पुलिस। जुबैर के खिलाफ हाथरस में 2 केस दर्ज हैं, जिसमें आज पेशी होनी थी, तो आज उनकी पेशी हुई है, जिसके बाद उनको फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले इनका मामला दिल्ली से गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद ये जाते हैं सीतापुर में, इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उसके बाद लखीमपुर खीरी में, और अब हाथरस में 2 FIR दर्ज हैं। तो एक एक करके 6 FIR इन पर हो चुकी हैं और इनको जो है अंदर रखे हुए हैं। और अब सबसे बड़ी खबर, जो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और उस फैसले को बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, उस फैसले में आखिर ऐसा क्या है वो समझ लीजिए। ये देखिए, श्याम मीरा सिंह है, छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासी एक मुठभेड़ में मार दिए गए, तभी इस बच्चे की उंगलियां काट दी गई। जांच के लिए साल 2009 में एक याचिका डाली गई, तब से अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। याचिकाकर्ता की इतनी मांग थी कि वो जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 16 आदिवासी मारे गए थे और जो कथित जो है नक्सलवादी बताए जा रहे थे, उनकी उसकी जो है एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस मांग को लेकर याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर ही साथ में उनपे 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। और आगे देखिए, ये हत्याएं भाजपा सरकार के वक्त हुई थी, याचिकाकर्ता जांच चाहते थे, कोर्ट ने न केवल याचिकाकर्ता एक्टिविस्ट किसी दंतेवाड़ा पर 5 लाख का जुर्माना लगाया, बल्कि अब उन पर केस करने का आदेश भी दिया है। ये आदेश जस्टिस खानविलकर की बेंच ने दिया है, उन्होंने ही तीस्ता शीतलवाड़ को जेल भिजवाया था। गुजरात दंगों की दोबारा जांच करने की मांग करने वाली जकिया जाफरी की याचिका को भी इन्हीं जजों ने खारिज किया था। और याचिका डालने वाली एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़ के लिए कहा कि वे इस मुद्दे को अपने लिए भुना रही हैं। अगले ही दिन गुजरात सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। अब क्या ही कहें, देखिए, और नीचे इन्होंने स्मॉल करेक्शन किया है, इस मामले की ये पहली सुनवाई नहीं है। 2019 से 2022 के बीच कई बार इस मामले पर सुनवाई हुई थी। इस मामले पर आज की सुनवाई के बारे में पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो ये देखिए, कोर्ट के जो काम करने की शैली है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उनके फैसलों पर लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 16 आदिवासियों को मार दिया जाता है और जब उनकी निष्पक्ष जांच की बात की जाती है, तो जो याचिका करता है उन्हीं पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अडानी के पोर्ट पर करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी को लेकर दिलीप मंडल ने कहा है कि आज भारत में न्यायपालिका की मृत्यु हो चुकी है, 2 मिनट का मौन रखिए। वो ट्वीट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है। और अब ये वो खबर जिसमें देखिए, ये वीडियो के मदानता का बताया जा रहा है, जहां आपसी रंजिश की वजह से खेत को ही कुरुक्षेत्र बना दिया गया। प्रतापगढ़ पुलिस, ये अराजकता और गुंडे क्या आपके शहर पर हो रही है? खुले आम लाठी डंडे चल रहे हैं और योगी सरकार का कहना है कि सब कंट्रोल में है, यही आपका कंट्रोल है। देखिए स्क्रीनशॉट, देखिए कि किस तरीके से खेतों में आपस में डिल्लट और डंडे चल रहे हैं, तो आप यूपी में कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, News24 ने भी ये खबर की है, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन पर अपने घर के मजदूरों की मजदूरी नहीं देने का आरोप। CM योगी से जनता दरबार में हुई शिकायत, जो योगी जी जनता दरबार लगाते हैं, वहां पर एक पत्र लिखकर शिकायत की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता, नीचे से लेके ऊपर तक सारे जो इनके नेता हैं, किस तरीके से काम करते हैं और आम जनता को कैसे ये लोग प्रताड़ित करते हैं। और आप देखिए, दिलीप मंडल ने जो कहा है, भारत में न्यायपालिका की मृत्यु हो चुकी है, 2 मिनट का मौन रखे। 13 साल पहले छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासी फायरिंग में मारे गए, हिमांशु कुमार ने याचिका डाली कि स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज वे याचिका खारिज कर दी और याचिका करने वाले पर ही 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। दिलीप मंडल जो बड़े पत्रकार हैं और जो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और जितने भी सामाजिक काम हैं, ये इस तरीके की जो पॉलिसीज बनती है उस पर पैनी नज़र रखते हैं,
और उन्होंने ही कहा है कि आज जो है न्यायपालिका की मृत्यु हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से याचिका खारिज की गई और उसके बाद जो याचिकाकर्ता थे उन्हीं पर 5,00,000 का जुर्माना लगा दिया गया। तो ये जो है न्याय व्यवस्था पर सवाल उठता है कि आखिर जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, जो गरीब है, मजलूम है, जो पीड़ित है, शोषित है, वो कहाँ जाएगा? जब अदालतों से ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है, वो किसके पास गुहार लगाएगा? तो ये वीडियो थी, ये खबरें थी, जहाँ पर एक तरफ बीजेपी के विधायक खुद ही कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कि जो प्रशासन है और जो अधिकारी है वो मिलकर बीजेपी को वोट डालने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा हो रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।